लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से पश्चिम बंगाल की अहम भूमिका है। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जो दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक दलों की राह को आसान बनाता है। इसलिए सभी दल पश्चिम बंगाल में जीत का परचम लहराने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन यहां का मिजाज हर चुनाव में बदलता है, तो क्या थी पिछले साल की स्थिति और क्या है इस बार का हाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में अब की बार मुकाबला जबरदस्त है। जहां एक तरफ टीएमसी जीत का इतिहास दोहराने के लिए जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस पंजे को मजबूत बना रही है। लेकिन वहीं बीजेपी भी कमल खिलाने की कोशिश में है। सभी दल दांव लगा रहे हैं, जीत के पैतरे आजमा रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव के नतीजे बताते हैं कि दीदी के आगे मोदी लहर भी बेकार है। 2014 के चुनाव में सत्तारूढ़ टीएमसी को 42 में से 34 सीटें मिली थी, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी, पार्टी को 4 सीटें मिली थी और बीजेपी महज 2 ही सीटों पर कमल खिला पाई थी, जबकि 2 सीटें सीपीआईएम के खाते में गई थी। इस चुनाव में टीएमसी को 15 सीटों का फायदा हुआ, वहीं लेफ्ट को 13 सीटें गंवानी पड़ी और कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था, जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीट ज्यादा गई थी। 2009 के मुकाबले इस चुनाव में टीएमसी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इस चुनाव में ममता का ऐसा जादू चला कि सभी दल चुनावी जंग हार गए, लेकिन अब की बार मुकाबला कड़ा है। खासकर दक्षिण कोलकाता, आसनसोल, मेहरमपुर, रायगंज, मुर्शिदाबाद, मालदा, दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, हुगली, हावड़ा, बर्धमान, बीरभूम में नेता एक दूसरे को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। नेता जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन इनके किस्मत का फैसला पश्चिम बंगाल के लगभग 7 करोड़ मतदाता करेंगे। इन्हीं मतदाताओं को लुभाने के लिए सांप्रदायिक सियासत को हवा दी जा रही है। जहां बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को भुनाती है, तो वहीं ममता अल्पसंख्यकों को रिझाती नजर आती हैं। इस लड़ाई ने सियासत को अलग ही रंग दे दिया है, जिसका नतीजा है कि सूबे में अब की बार अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। कुछ जगहों पर दीदी के नारे लग रहे हैं, तो कुछ जगहों पर अब की बार मोदी सरकार के, तो कहीं कहीं लेफ्ट और कांग्रेस के कब्जे की भी उम्मीद जताई जा रही है। वैसे राजनीतिक दलों की जमीनी हकीकत को देखें तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट की सियासी जमीन कभी न कभी मजबूत रही है, लेकिन बीजेपी कभी भी यहां पैर नहीं जमा पाई। मगर अब की बार पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ने बंगाल में दम दिखाने की कोशिश की है। उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस और वाम दलों को पछाड़ कर दूसरा स्थान हासिल किया। अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी दीदी के गढ़ पर कब्जा जमाने की कोशिश में है। यही वजह है कि पीएम मोदी यहां खुद 17 रैलियां कर रहे हैं। मंत्रियों का जमावड़ा पश्चिम बंगाल में जमा हुआ है और रथयात्रा से लेकर रोड शो के जरिए पूरी जान फूंकी जा रही है। इसके पीछे की वजह पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें हैं। दरअसल बीजेपी की हिंदी पट्टी वाले राज्यों में पकड़ कमजोर हो रही है, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कमल मुरझाने की आशंका है। इन राज्यों में जनता की नाराजगी की वजह से बीजेपी को करीब 70 सीटों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी इसकी भरपाई पश्चिम बंगाल की सीटों से करने की कोशिश में है। पार्टी ने दीदी के किले को ढहाने के लिए मिशन 26 बनाया है। पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए सियासतदान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन ये तो 23 मई को ही साफ होगा कि अब की बार दीदी का दिखेगा दम या फिर बीजेपी फिर होगी बेदाम। टीवी लाइव की रिपोर्ट।